अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? अवैस। अवैस क्या करते हैं? कपड़े की शॉप में। कपड़े की शॉप है मेरी। अच्छा, मतलब अनस्टिच कपड़ों? जी, अनस्टिच कपड़ों की, क्लॉथ की, फैब्रिक्स की। और यहीं से ताल्लुक है आपका? हाँ जी, शेरावाला गेट से ताल्लुक। ठीक है, कितने गेट्स देखे हैं लाहौर के? 12 गेट देखे हैं और 13वीं मोड़ी देखी। अच्छा, मोड़ी गेट भी है ना? अच्छा, सही, जबरदस्त। चले मुझे ये बताएं, शुरू से रहने वाले हैं ना? अच्छा, हमारा आज का सवाल है, एक कॉमन सेंस का सवाल है, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको खाने के बाद इंसान कभी नहीं खाएगा? कौन सी ऐसी चीज है जिसको खाने के बाद इंसान कभी नहीं खाएगा? च्युइंगम। क्यों? वो खा के फेंक दो, दोबारा कैसे खा? दोबारा भी खाई जा सकती है, कुछ लोग खा लेते हैं। कुछ लोग खाते हैं, हम तो नहीं खाते। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपके पास 5 करोड़ का घर है। 5 नहीं 3 करोड़ का है, 2 करोड़ बढ़ा। कहाँ पर है? शेरावाला गेट आगे है। शेरावाला में इतना महंगा? हाँ, क्योंकि कमर्शियल एरिया ना। अच्छा, वेरी नाइस। कब से इस काम कर रहे हैं? 2 साल से हम शेरावाला गेट में रहने वाले हैं। ये इस्लामिया स्कूल है, इधर 1899 में ये एस्टैब्लिशमेंट है। इधर मेरे 1947 में मेरे दादाजी ने मैट्रिक किया है, 1965 में मेरे बाप ने मैट्रिक किया है, 2005 में मैंने, अब मेरा बेटा जाता है स्कूल। मैट्रिक से आगे आप लोगों की रीत बड़ी नहीं? नहीं, हम मैट्रिक फेल हैं सर। अच्छा, मैट्रिक पास में नहीं है? नहीं नहीं, फेल है सर। तो बच्चे को मैट्रिक पास कराना है? ये उसको पढ़ाएं। उसको पढ़ाएंगे। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि आपकी जो दुकान है वो दादा परदादा से है? नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी मैंने कपड़े का काम शुरू किया है। इससे पहले जो उनसे मेरे बड़े थे वो जूतों का होलसेल का काम करते थे, शूज का। तो वो क्यों छोड़ दिया? वो कर रहे हैं ना, वो लैदा कर रहे हैं, मैं लैदा कर रहा हूँ। खर्चे ज्यादा है ना बाजी, क्या करें। लगता है बेगम ने काफी जो है ना वो, बेगम के बर्गर, बच्चों के डायपर कहाँ से लाने, इधर से लाने। बेगम बर्गर बहुत खाती है। हाँ जी, एक डायपर के साथ एक बर्गर। तो फिर आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं, फिर लाके देते हैं क्या, घर से निकाल दूं। अब निकाह किया हुआ है, क्या करें, जरूरतें पूरी कर। अभी धमकी नहीं लगाई उसको, दूसरी शादी कर लूंगा? तो लगाई थी धमकी, उसने कहा कोई बात नहीं कर लो आप, लिख के तो मैं नहीं देना ना। अच्छा, यानी कि उन्होंने आपको धमकी नहीं दी कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मकान मेरे नाम है। कभी सोचा आपने कि मैंने बेगम के नाम करना है मकान? नहीं सोचा होगा, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जब आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। नहीं नहीं, जब इधर ही रहेंगे फिर ही नाम करेंगे उसको, हो सकता है अभी कर दूँ। मुझे ये बताएं कि बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों को क्या बनाना है? मैंने एक को जहाज बनाना है और एक को पायलट बनाना है। क्यों? एक जहाज उड़ाएगा और एक दूसरा उसके साथ सर्विस देगा ना। सही है, चलें। क्या पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को? पैगाम देखने वालों को देना चाहता हूँ कि भाई जान, महंगाई का दौर है, महंगाई पूरी नहीं हो रही है, इधर खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, रोटी बहुत महंगी है, कपड़ा बहुत महंगा है, मकान बहुत महंगा है, ना हमें रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, ना नून लीग से कुछ मिल रहा है, ना पीटीआई से कुछ मिल रहा है, हम बस दरमियान में हैं। पता नहीं है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 1200-1500 दिहाड़ी वाले लोग किधर जाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, ये समझ नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।